नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं हजारों लोग कोरोना वायरस के चलते हुए मौत की नींद सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मांग लोगों में देखने को मिल रही है, ताकि लोगों की उखड़ती हुई सांसों को सहारा मिल सके। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए घंटों घंटों कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अब जिलाधिकारी मेरठ ने एक सराहनीय पहल करते हुए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए बकायदा 3 स्थल बनाए हैं, जहां पर उनके द्वारा लाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर को जमा किया गया और 24 घंटे के अंदर इन लोगों को भरे हुए सिलेंडर दिए जाएंगे, जिस एवज में बड़े सिलेंडर के 600 रुपये लिए जा रहे हैं। इसी बीच प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार इन सिलेंडर जमा करने वाले स्थलों का दौरा कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो।